वेलकम टू मार्वल फ्यूचर फाइट इन इंडिया, तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर जो है कल मैंने ये किया, ओके। तो कल मेरा ओपन करने के बाद जब मैंने रिसर्च किया उसके ऊपर, रिसर्च आने जो ग्रीन कलर की पट्टियाँ थी ना, रिसर्च योर रिवार्ड फाइनल रिवार्ड, तो फाइनल रिवार्ड में क्या आया, 4 स्टार के रैंक अप टिकट आई। उसके बाद में मैंने क्या किया बताता हूँ, ये वीडियो देखो, मैं ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुका हूँ, उसके ऊपर मैं टिप्पणी देने वाला हूँ स्पीक करके। तो देखो अभी मैंने क्या किया, आगे मैं उसके बाद में नेक्स्ट यहाँ पर जो एनर्जी थी इसकी, कॉस्मिक एनर्जी जो कलेक्ट करनी थी स्टेज खेल के, वो मैंने कलेक्ट करना शुरू किया एक एक करके, और मैंने वो सब करके दिखाया। अभी जैसे यहाँ पर गोल्ड है, उसके बाद गियर किट, ब्लैक पॉइंट, मतलब ये सब मिलेगा। जैसे जैसे आप लोग जितना ज़्यादा कलेक्ट करोगे और यहाँ से एक्वायर करोगे, उतना ज़्यादा यहाँ से वो जो रिवार्ड है वो मिलेगा। और ये KBC टाइप है, एक दिखा जाए तो KBC की तरह है, जैसे आपने ये क्वेश्चन का आंसर दिया तो आपको इतना रिवॉर्ड मिलेगा। तो उसी टाइप से जितना ज़्यादा स्टेज खेलूँगे उतना ज़्यादा वो कॉस्मिक एनर्जी मिलेंगी, कॉस्मिक एनर्जी मिलेंगी तो उसका जो रिवॉर्ड मिलेगा जो भी यहाँ पर आपको दिख रहा है स्क्रीन पे। अब ये जो इसमें से मेगा TL2 टिकट वगैरह वगैरह वगैरह, ये लाना इतना आसान नहीं है। ये मेरे को पहले से डाउट था कि गेम डेवलपर्स इतने आसानी से फ्री में देने वाले हैं नहीं, और मेरा शक यकीन में बदल गया। उसके बाद में यहाँ पर देखो, जैसे कि मैंने 75 क्रिस्टल यहाँ पर मैंने लगाया, दाव पे लगाया, तो यहाँ पर मुझे मिला कॉमिक कार्ड चेस्ट मैथिकल 1, यानी 6 स्टार का मैथिकल कार्ड मुझे मिलेगा। अब वो प्रीमियम होगा कि नॉर्मल होगा कि कैसा होगा, आई डोंट नो। अब वो मिलना चाहिए 6 स्टार कार्ड, वो भी बहुत बड़ी बात है। तो मैंने सोचा जान दो, क्यों लालच करना, मिल गया बड़े मुश्किल से तो रहने दो। उसके बाद फिर यहाँ पर जो रिवॉर्ड है वो मैं चेक कर रहा था, एमकर क्रिस्टल, एमकर शाद, डिमेंशन रिफ्ट वगैरह वगैरह वगैरह, तो ये सब कलेक्ट करते 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 बहुत सारी कॉस्मिक एनर्जी लगने वाली है। और 7 डेज़ के अंदर अंदर ये जो 6 स्टार कार्ड है मैथिकल फाइनल रिवॉर्ड, ये हमें मिलना चाहिए, ये मिल जाना चाहिए 6 दिन के अंदर, क्योंकि हर किसी के बस की बात नहीं है कि एक ही दिन के अंदर वो कलेक्ट कर ले, क्योंकि उसके लिए काफ़ी ज़्यादा स्टेजेस खेलना पड़ेगा। अगर सोचा जाए तो जैसे शैडोलैंड हो गया, और वैसे भी आज दसरा है, तो दसरे के मौके पे सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, और जिन जिन के पास टाइम है लगा दो पूरा टाइम, अगर आज फाइनल रिवॉर्ड हासिल कर सकते होंगे तो। मैं भी अपनी तरफ से पूरा टाइम लगा देता हूँ, शैडोलैंड वगैरह वगैरह सब सारी की सारी स्टेजेस खेल लेता हूँ, जितना ज़्यादा एनर्जी हो सके उतना कलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर मैं पूरा एनर्जी कलेक्ट करने में लग गया, अगर मैं आपको धीरे 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 दिखाऊँ तो यहाँ पर पूरी पूरी एनर्जी कलेक्ट करने में लग गया। डेली मिशंस, स्पेशल मिशंस, और जितने भी यहाँ पर स्टेजेस है, सबसे जो कॉस्मिक एनर्जी है वहाँ से वो एनर्जी मैं लेने में लग गया। यहाँ से स्पेशल मिशन से भी मैंने लिया उसके बाद में, और बाकी के जो जितने भी स्टेजेस थे वहाँ से भी लेना शुरू कर दिया। उसके बाद में आ गया यहाँ पर, अब यहाँ पर 268 मैंने एनर्जी कमा लिया, और यहाँ पर 40 एनर्जी देके मैंने ब्लैक एंटी मैटर लिया, ये देखो ये मैंने ले लिया। उसके बाद में यहाँ पर अगेन 65 एनर्जी में यहाँ पर सिलेक्टर लिया मैंने, 20 नॉस्टोन एक, वो भी ले लिया। उसके बाद में यहाँ पर डिमेंशन ISO 6 स्टार 3 से लेकर 6 स्टार तक एक ISO जो चेस था वो ले लिया। उसके बाद में गोल्ड लगभग 10,000 का, और यहाँ पे जो कॉस्मिक एनर्जी वो ख़त्म होती है। उसके बाद में मैं विलन स्टेज में गया, विलन स्टेज में आने के बाद यहाँ पर जो स्टेज थी वो मुझे क्लियर करनी थी, तो क्लियर करने में लग गया। अभी फाइट काफ़ी लंबी है, वो छोटी सी है, शॉर्टकट में दिखा देता हूँ। उसके बाद में यहाँ पर अलायंस बैटल मोड, अब ये भी यहाँ से भी 50 मिलना था। अब ये जैसे ही मैं क्लियर करता हूँ तो देखते क्या होता है। तो यहाँ से भी मिल गया। अब एक्सट्रीम मोड, अब एक्सट्रीम मोड में करने के लिए मुझे काफ़ी देर टाइम लगा। चलो मैं धीरे धीरे आगे जाता हूँ ताकि आपको शॉर्टकट में दिख जाए। और ये मैं जाते 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 है। तो एक्सट्रीम मोड भी कंप्लीट हो गया। एक्सट्रीम मोड कंप्लीट होने के बाद मैं कहाँ गया था, और स्टेजेस खेलने बाकी थे, तो 12 बज चुके थे, तो 12 बजे मैं 12:30 बजे मैं सो गया।
अब यहाँ पर होगी 213 एनर्जी कलेक्ट होगी अगेन, और यहाँ से अभी जो रिवॉर्ड मुझे चाहिए वो मैं कलेक्ट करूँगा। जैसे एक्वायर के बटन दबाऊँगा तो जितने भी है जो बचे या फिर नेक्स्ट है वो मिल जाएंगे। तो यहाँ पर ये डिमेंशन डिब्रिस और नॉस्टोन क्योस 10 ये मिल गया। अब यहाँ पर अगेन एमकान शाद जो कलेक्ट करना है मुझे, उसके लिए 140 बोल रहा है, तो 140 मुझे अगेन कलेक्ट करना पड़ेगा अभी, उसके बाद में जाके जो नेक्स्ट रिवॉर्ड है वो भी मिल जाएगा। तो ऐसे करते 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 जितना ज़्यादा हो सके मुझे वो कलेक्ट करना है, और जितना ज़्यादा हो सके दिन के अंदर मुझे वो कलेक्ट करके निकालना है। स्पेशल मिशन, स्टोरी मिशन, जितने भी मिशन है वहाँ से एक्स्ट्रा मिलेगा, और ऐसा नहीं है कि हम लोग 10 टाइम क्लियर करेंगे तो 10 टाइम मिलेगा उसके बाद में नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है, वो मिलते रहेगा कंटिन्यूसली। जितना ज़्यादा कर सकते हो करो, जहाँ जहाँ जोर लगा सकते हो लगा दो। ओके, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, थैंक यू, एंड उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। और एक चीज़ ध्यान में रखना, इसके अंदर 75 क्रिस्टल में जो मेगा टीयर 2 टिकट मैंने लेने की कोशिश किया था लेकिन वो मिला नहीं था। जैसे कि अगर मैं आपको दिखाऊँ तो यहाँ पर स्टार्टिंग में दिखा देता हूँ, ये देखो यहाँ पर 75 क्रिस्टल मैंने एक बार मैंने रोल किया तो यहाँ पर जो है मुझे ये मिल गया था। कहाँ गया, अरे किधर गया, हाँ 6-स्टार जो मैथिक टिकट था वो मिल गया था, तो यहाँ पर वो शो नहीं कर रहा लेकिन मुझे मिल गया। तो यहाँ पर मेगा टीयर 2 टिकट हासिल करना इतना आसान नहीं है। अभी मैंने 2-3 बंदों ने देखा 450 क्रिस्टल लगा दिया है यहाँ पर 75 करके, कि उनको किसी तरीके से मेगा टीयर 2 टिकट मिल जाए और वो लूना स्नो को टीयर 2 कर दे, ऐसा उन लोगों का प्लान था, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं है। उनका ज़्यादातर लॉस हो गया और कुछ लोगों को तो सीसीएफ मिल गया फिर 75। लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट है, बता दूँ मैं भी समझा के, 75 जो क्रिस्टल है जो सीसीएफ है वो हासिल करने के लिए सेम जो अभी जो मैं टेक्निक पूरी बताया मैंने कि मुझे ये रिवॉर्ड हासिल करना पड़ेगा, ये स्टेज खेलना पड़ेगा, इतना इतना सब रिवॉर्ड हासिल करने के बाद में 6-स्टार मिथिक कार्ड मिलेगा, तो सेम उसी तरीके से सब चैलेंजेस कंप्लीट करने के बाद 75 CCF मिलेगा। इतना लंबा प्रोसेस मुझे पता था, ये गेम डेवलपर्स कोई भी चीज़ इतनी आसानी से देते नहीं है, बहुत मेहनत करवाते हैं, मैं लगा ही था, आई न्यू इट। तो अभी क्या, अभी कुछ नहीं, अभी जो स्टेजेस है आपके जो बचे, शैडोलैंड हो गया, टाइमलाइन बैटल हो गया, वर्ल्ड वॉर सेटलमेंट हो गया, नॉर्मल ABX हो गया, अलायंस बैटल, एक्सट्रीम मोड हो गया एक्सट्रीम मोड वाला, उसके बाद स्टोरी मिशन, स्पेशल मिशन, जो भी मिशन है, एपिक क्वेस्ट वगैरह, सारी की सारी क्लियर करने में लग जाओ। जो भी आपके पास में स्टेज ओपन है सारी की सारी क्लियर करने लग जाओ, जो ओपन हुई पड़ी है उसको भी चाहो तो क्लियर कर सकते हो, उसमें भी आपको मिलेगा। तो यहाँ पर जितने भी कोशिश करोगे आप मैक्सिमम उतना ज़्यादा आपको जो कॉस्मिक एनर्जी है वो मिलेगा। मिलने के बाद जो भी आपका रिवॉर्ड है फटाफट कलेक्ट करो और जो रिवॉर्ड है वो ले लो, और उसके बाद में फाइनल रिवॉर्ड अगर और एक बार एक आता होगा, अगर और एक बार आता होगा तो उसमें शायद मेगा टीयर 2 टिकट के लिए आप ट्राई कर सकते हो। देखो अभी 75 क्रिस्टल कितना दाव पे लगेगा ये तो मैं भी नहीं जानता, आप भी नहीं जानते, यहाँ पर कितनी बार वो करना पड़ेगा, और ये आसानी से मिलने वाला है नहीं। ये जो है ना मेगा टीयर 2 टिकट, उसके बाद में यहाँ पर मिथिक टिकट जो भी है वो इतने आसानी से मिलने वाला है नहीं, इसके लिए बहुत 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 ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। तो ट्राई कर लो, बाकी सब आपके हाथ में है, ठीक है। कॉस्मिक एनर्जी कलेक्ट करना है, उसके बाद में जो रिवॉर्ड है वो हासिल करना है, बहुत ही सिंपल पैटर्न है, मैंने करके दिखा दिया और आपको समझ में आ गया होगा। ओके, 75 क्रिस्टल दाव पे मत लगाना, अगर जिनके पास में क्रिस्टल अभी कम है बचा के रखो। और जो बहुत से लोग पूछे थे पिछले कमेंट्स में कि भाई वो रिचल समर्स का पैक लेना चाहिए क्या, तो मैं अभी बोलता हूँ उसका पैक लेना ज़रूरी है। अभी क्यों बताता हूँ, मुझे एक बंदे ने बताया कि वो जो पैक है अगर अभी जो उसका डिस्काउंट चल रहा है, जो भी उसका अभी स्पेशल चल रहा है, रिवॉर्ड वगैरह जो भी है, इवेंट वगैरह, तो उस इवेंट के अंदर हम लोग उसको परचेस कर लेते हैं तो हमें जो बाकी क्रिस्टल है वो चैलेंजेस के थ्रू रिफंड मिलेगा, यानी लगभग वो 400-500 में पड़ेगी वो कैरेक्टर अगर हम लोग परचेस करते हैं तो जो हम लोग 450 क्रिस्टल लगाने वाले उसमें से हमें 4000 क्रिस्टल जो वापस मिलने वाले, तो टोटली 550 तक वो कैरेक्टर पड़ जाएंगे, तो मेरे ख्याल से वो लेना चाहिए। तो मैं भी उसके लिए लेने के लिए मैं क्रिस्टल जमा कर रहा हूँ, तो अगर आपके पास में मुझसे ज़्यादा क्रिस्टल होंगे तो आप भी लग जाओ, और किसी तरीके से इवेंट के अंदर ही उसके जो बचे कुचे दिन है उसके अंदर ही कलेक्ट कर लो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। उसको भी कलेक्ट कर लो, और ये भी जो रिवॉर्ड अभी इवेंट चल रहा है 7 से 6 डेज का, इसको भी कंप्लीट कर लो। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।